feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. चैनल मेरा सब बेंगोली व्यूअर्स को मैं बोलना चाहती हूँ, सुबह 9 वर्ष हो इसलिए मैं सुबह सुबह नहा के ये येलो टॉप पहन लिया हूँ। ये इधर से वाइट वाइट दिख रहा है पर ये डॉट डॉट येलो है। तो कहते हैं कि साल का पहला दिन, बेंगोली न्यू ईयर का सब पहला दिन अगर येलो पहनो तो पूरा साल अच्छा जाता है, इसलिए तो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्चुनेटली मेरे पास ये येलो टॉप था, मैं सोच के नहीं खरीदा था, तो ये था तो मैंने ये पहन लिया और कुछ नहीं है। मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत कुछ ठीक नहीं था, पर अभी अच्छा हूँ क्योंकि सुमन ने फ़ोन किया था कि वो हाफ टाइम मतलब 5-6 बजे तक आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा बाहर जाएंगे। एक्चुअली मेरा जो ब्लैक कलर का साड़ी था ना, वो मैं स्टिच करवाऊंगी, इसलिए क्योंकि मेरा एक शादी है, मतलब एक मैरिज पार्टी है, तो उधर जाऊंगी। पूरा कन्फर्म नहीं है अभी तक क्योंकि वो बहुत दूर है, पता नहीं होगा कि नहीं, पर मैं ये पहले से बनवा के रखती हूँ। अगर हो तो भी अच्छा है, अगर ना हो तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं। तो इसलिए और थोड़ा सा घूमने भी जाएंगे। बहुत पुराना मंदिर है, मैं जब छोटी थी तब से इधर आ रही हूँ और अब भी जब जब टाइम होता है हम लोग इधर आ जाते हैं। बहुत शांति मिलता है इधर, अच्छा लगता है मुझे भी और सुमन को भी। तो इधर ना फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को भगवान का दर्शन नहीं करवा पाई। चैनल तो कल का वीडियो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, कुछ प्रॉब्लम के कारण हम लोगों को जल्दी घर आना पड़ा, इसलिए तो कोई बात नहीं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। पर आज का कोई ब्लॉग नहीं जाएगा इसलिए मुझे बुरा लग रहा है थोड़ा, पर कोई नहीं। न्यू ईयर तो अच्छे अच्छे से मेरा कट गया, आई होप आप लोगों का भी अच्छे से कट गया और ऐसे करके हम लोगों का पूरा साल निकल जाए, तो यही प्रे करती हूँ। तो आज का लंच मैंने बनाई थी यहाँ कटहल का सब्ज़ी, तो मैंने जल्दी में बनाया और कुछ नहीं वीडियो शूट किया। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। कल सुमन 6 बजे तक 5:30-6 बजे तक घर आ गया था, तो इसलिए मैं हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग जाएंगे मॉल या फिर कुछ, मतलब कुछ प्लानिंग नहीं था। तो पहले मैं अपना साड़ी जो था वो सिलवाने दे दिया, मतलब जो ब्लाउज पीस था वो सिलवाने दे दिया क्योंकि हम लोगों का थर्सडे को एक शादी मतलब रिसेप्शन पार्टी है, तो इधर तो नहीं बहुत दूर है, क्या जगह का नाम है मुझे याद भी नहीं आ रहा है वो बिलियो, तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी, वो मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है वो नाम जगह का, तो उधर जाऊंगी। तो इसलिए सोचा कि साड़ी तो पहनना पड़ेगा मुझे, तो वो ब्लैक कलर का साड़ी पहनूंगी। तो यही था, अभी 1:30 बज रहा है तो लंच कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। खाना हो गया है मेरा, अभी मैं थोड़ा सा इसे चला लूँ, बहुत गर्मी लग रहा है।
और अभी मैं लेके बैठी हूँ। ये फ्रिज में था खाजा, पता नहीं किसने दिया है, और ये मौसम्बी। तो ये अभी मैं खाऊंगी। चलो चलो चलो, इसे चलो जल्दी से चलो। ऐसे लग रहा है ना मुझे भूत की तरह। एक वीडियो मैं 2 दिन से कर रही हूँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा है मेरा। कल का वीडियो भी मैं नहीं कर पाई कंप्लीट, और आज का वीडियो भी ऐसा ही हुआ। मैंने सोचा शाम को मैं ब्लॉगिंग करूँगी, अच्छा सा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसलिए सुबह से मैंने वीडियो नहीं स्टार्ट किया। तो अभी शाम को इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एज यूजल सही बदल हुआ था और इलेक्ट्रिसिटी चला गया, पानी तानी कुछ नहीं हुआ अभी तक। और मुझे अभी खाना बनाना ही है क्योंकि बाबा का ड्यूटी है, मुझे खाना बनाना ही है अभी, लेट हो जाएगा। अभी 7 बज गया है, बाबा 8 बजे घर से निकलते हैं, तो मैं वेट करूँ इलेक्ट्रिसिटी का वो भी नहीं पॉसिबल। तो जितना भी हो, ये वीडियो जैसा भी हो, मैं यहीं पर एंड करूँगी। फाइनली मैं मतलब स्पीचलेस हो गई हूँ, ये 2 दिन का वीडियो ऐसा हुआ कि मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो ये वीडियो भी मैं यहीं पर एंड करूँगी, कितना छोटा होगा मुझे पता नहीं, पर जैसा भी है आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।